Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. में आप सब को खुश आमदीद मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया कोविड 2019 से जो चल रहा है अभी तक मसलसल उसके असरा हैं और काफ़ी देर तक रहने हैं इस पे कम्युनिटी के ऊपर पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर खास तौर पे क्या असर मरतब किए हैं और आगे आगे हम अपना फ्यूचर क्या देखते हैं इस तमाम न्यू नॉर्मल के साथ कम्युनिटी का न्यू नॉर्मल क्या है और क्या ये मुमकिन है और ये कैसे मुमकिन है हमारे पास कम्युनिटी के बहुत ही सरकर्दा एक जर्नलिस्ट हैं कम्युनिटी पे गहरी नज़र रखते हैं रियल्टर हैं इसके साथ साथ हर अच्छे काम में जो कम्युनिटी को इंटीग्रेट करने के लिए पॉसिबल है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं इरफ़ान मलिक साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ आपने जो तारफ़ कराया हैीमा जी वो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन आपकी मेहरबानी मैं तो आपसे ही सीखता हूँ आपको ही फॉलो करता हूँ बहुत शुक्रिया आप से आज बात हो जाए कम्यूनिटी की कुछ ताज़ा लेटेस्ट कोविड सिचुएशन कोविड ट्वेंटी ने हर चीज़ को बदल दिया है अब हम खास पे मीडिया में टर्म यूज़ कर रहे हैं न्यू नॉर्मल जिसके अंदर के हर चीज़ जो है अब फ्यूचरिस्टिक हो गई है तो, तो, तो क्या कम्युनिटी में कोई तब्दीली है या कम्युनिटीज़ इसको कैसे देखती है देखे बड़े अरसे हम दस बारह लोग ही हैं जिसमें आप भी शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं जो कि बार बार ये कहते थे कि भाई इंटीग्रेशन करो कैनेडियन वैल्यूज़ को मानो कैनेडियन वैल्यूज़ के साथ तलकत कायम करो कैनेडियंस कैनेडियन बन के बिजनेस करो ठीक है जी उस पर हमें ताने दिए जाते थे कभी मुल्क दुश्मन के कभी जी ये कर रहे हैं जी देखें जी पाकिस्तान हमारा वतन है ठीक है आपका वतन है, लेकिन अब कैनेडा में हो इंटीग्रेशन ये असल में कोविड नाइन्टीन का मसला नहीं है साथिया जी ये मसला वो है कि अब हमारे हमने जो बिजनसेस खोले वो पाकिस्तानी बेस्ड बिजनसेस थे हमारे ग्रॉसरी स्टोर देख लें हमारे रेस्टोरेंट्स देख लें हमारे कपड़ों की दुकानें देख लें छोटे मोटे जो मर्जी बिजनेस आप देख लें वो सारे पाकिस्तानी बेस्ड हमने अपना एक तशस तो जो है वो कैनिडियन पाकिस्तानी नहीं रखा बल्कि हमने प्योरस को पाकिस्तानी कर दिया मसला मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स खोल रहे थे आज से साल दो साल पहले तो हम उनको कहते होते थे कि भाई ये गोरों के बगैर नहीं चलेगा तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ जो उनका उनके जो कल्चर है करो के जी अल्कोहल का थोड़ा सा उनके लिए सेक्शन बना दो तो ये होता था जी अगर अल्कोहल हुई तो फिर पाकिस्तानी नहीं आएंगे हलाल गलाल का लफ्ज बेमानी हो जाएगा मुस्लिम कम्यूनिटी नहीं आएगी अब उसका रिजल्ट सब देख रहे हैं आप ये देखें कि जो गोरों के बिजनेस थे वो देर दे आर कमिंग बैक इन टू नॉर्मल वेरी वेरी सोन और मतलब बड़ी फास्टली वो वापस आ रहे हैं और उनक, उनके उनकी मुसीबत यह पड़ी हुई है कि जी अब इन बंदे कैसे कंट्रोल किए जाएं कि जो इंग्लिश रेस्टोरेंट जो भी हैं उन पर हमारे रेस्टोरेंट्स का मसला यह है कि हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बैठते ही जा रहे हैं किराया भी देना मुश्किल हुआ है और बिजनेस देखें बंद पड़े हैं तो कोविड नाइन्टीन का कम्यूनिटी पर बहुत गहरा और बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है मेरी अपनी ओपिनियन है हो सकता मैं गलत हूँ लेकिन कोविड 19 की हमने तैयारी ही नहीं की कोविड 19 को हमने सिर्फ यह है कि ट्रूडो गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम दो दो हज़ार डॉलर देंगे ठीक है जी हर बंदे ने मेरे जैसे बंदों ने घर में दो बंदे थे चार आ रहा है किसी के छः आ रहा है किसी के दो आ रहा है अब वो नवम्बर तक है वो पैसे आते गए बिजनेसेस की भी परवाह नहीं की बच्चों को प, प, अपनी भी परवाह नहीं की नौकरियां भी छोड़ के बैठ गए नौकरियां पैसे ही ख़त्म हो रही हैं तो अब तो सूरत तो बातें अब ये होगी उस वक्त होगी जब नवंबर में ट्रूडो गवर्नमेंट जो है वो 2000 डॉलर बंद करेगी लोगों को पैसे मिलने बंद होंगे उस वक़्त इनको पता लगेगा कि ये पैसे देने का क्या नुकसान है हालांकि बज़ाहिर तो ट्रूडो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया लेकिन लोगों ने उसको पॉजिटिव नहीं लिया जिसको नहीं भी ज़रूरत थी उन्होंने लिया नौकरियाँ छोड़ के बैठ गए बच्चे घर बैठ गए आठ आठ डॉलर ले रहे हैं ओ बस वो इसलिए समझे कि बस ये जिस तरह होता है कि लेकिन ये तो बहुत कम लोगों को इसका फ़ायदा वो लोग जो जॉब्स पे जा रहे थे वो बिजनेसेस जो स्मॉल बिजनेसेस लोन्स के लिए जिनके लिए ओपनिंग थी जी। उनका बहुत ज़्यादा शोर रहा क्योंकि वो लोग जो जॉब्स नहीं कर रहे थे और जो बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व थे और वो एक हद तक ले सकते थे आ, इसके अंदर फ़ायदा वो अब ग्रेजुअली बाहर आना शुरू हो गए हैं इसलिए कि मेरा ख़्याल है कि हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत इंबैलेंस सिचुएशन मेरे जी 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 तो चलिए हम अब थोड़ी सी इसी इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम पाकिस्तानी फूड से लेकर हर चीज़ में हम पाकिस्तान से रिलेट करते हैं चीज़ों को जी और जी हम अपनी प्रैक्टिकल रियलिटीज़ की तरफ नहीं आते जी तो पॉलिटिकल सिनेरियो में जब हम जाते हैं तो जितने सरकरदा लीडरान यहाँ पर मौजूद हैं वो सब किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी से तो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरह उसकी लेटेस्ट क्या हो रही है किस तरह है उसकी तो उन्हें बहुत अच्छी खबर है लेकिन कनेडियन पॉलिटिक्स क्या होने जा रहा है उसकी क्या है, जैसा कि अभी हमने कोविड पे ही बात की और वो कैसे होगा मैनेज इस सिलसिले में कुछ वाज सूरत हाल नहीं निकलती और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बहुत न्यू कम्यूनिटी हैं क्या हम अभी भी नाइव हैं जो हम सेटल नहीं हो रहे मैं 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 आपकी मैं आपने बिल्कुल अच्छी बात की जो लोग कहते हैं कि जी हम न्यू कम्युनिटी हैं मैं उनसे टोटली डिसग्री करूँगा आपको आए हुए पच्चीस साल हो गए तीस साल हो गए दूसरी आपकी जनरेशन पढ़ गई यूनिवर्सिटी टियों में चलेगी तीसरी जनरेशन आने की तैयारी है अब अभी अब, अगर अब, अब न्यू है तो फिर फिर आई डोंट नो मतलब लेकिन यह है कि देखें वही बात आपकी तरफ वापस आते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टियां इधर हैं उनका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है ये तो एक तरफ लेकिन हमारे जितने भी लीडर ने क्राम है बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं मेरे मैंने भी एक तंजीम बनाई हुई है उसमें भी लोग आते हैं बैठते हैं बहुत सारी तंजीमें हमारे में यूनिटी का फकदान है हम एक चीज़ पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते और यही हाल जो है हमारा कैनेडियन सोसाइटी में है मैं आपको इसकी ये मिसाल दूंगा कि देखिए अभी एक सियासी जमात है उसकी नामिनेशनस हो रही हैं हर बंदा हमारे कम्युनिटी लीडर की बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासत चमकती है सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अंदर और वो उस वक्त चमकती है जब हर दो या चार साल बाद जब इलेक्शन होते हैं अब इलेक्शन की बारी आ रही है अभी 2022 में आएगी अभी से जनाब पाकिस्तानी जनाब शुरू हुए जी मुझे वोट डालो मुझे ये और मजेदारी की बात है मैं पहले भी एक प्रोग्राम में आपकी मैं कह चुका हूँ कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है हमें डंप करने का सोच नहीं है हमारी युप हमें वो इस्तेमाल करती हैं वोट डलवाते हैं सब कुछ करते हैं लीडर सेलेक्ट होते हैं इलेक्ट होते हैं उनकी पार्टियों के उसके बाद वो बिल्कुल डंपिंग शुरू हो जाती है किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशन जो या उस पाकिस्तानी सियासी जमात से, से हो या कैनेडियन पॉलिटिक्स में तो है ही नहीं कैनेडियन पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं करते वो सब डंप हो जाते हैं इसलिए कि ग्राउंड वर्क भी नहीं है दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करते और सबसे बड़ी बात सादिया जी ये है कि सेकंड जनरेशन को मैं अपने बच्चों को ही आगे नहीं आने दे रहा मैं कहता हूँ जी मैंने इलेक्शन लड़ना है मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है मेरी उर्दू ठीक है मैं जनाब बड़ा पाकिस्तान में बहुत बड़ा अफसर था यहाँ भी मैं मैं लेकिन तो... लेकिन ऐसा नहीं होता वो ये भी चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं क्योंकि हम पाकिस्तान से रिलेटेड हैं तो हम इसी वजह से काम कर सकते हैं हालांकि यहाँ पे सुनहरी बहुत मुख्तफ है हमारी जो जो, जो जनरेशन यहाँ पैदा होती है स्कूल से जाती है वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती है चीज़ों को जी देखें जहाँ तक सीनियरिटी का मसला है सीनियर और जूनियर का मसला मैं समझता हूँ कि ये एक, एक 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 बेमानी सी चीज़ होगी सीनियर सारी दुनिया में जितने मुल्क इस वक्त तरक्की कर रहे हैं आप देख लीजिएगा कि वहाँ कहते हैं कि यंग लीडर सामने आए जो फ्रेश ग्रेजुएट हो जिनका दिमाग फ्रेश हो जिनके जेन पर कोई 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 बोझ ना हो अब अमेरिका में आप देख लें ट्रंप जो हैं वो भी और उनके मुकाबले में जो जो बाइडन आए हैं वो भी देख लें लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोग जब अगर कोई इसी जगह यंग बंदा आता जिस कैनेडी या दूसरे जिस तरह आप समझ लें ओबामा थे तो लोगों का इंटरेस्ट कायम होता है बदकस्मती ये है कि सीनियर होने का भी ये मतलब नहीं है कनाडा में अगर आप पाकिस्तानी हैं और मैं कौन जी मैं सीनियर हूँ तो मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बिल्कुल अल्फन कहता हूँ कि मैं सीनियर एज में तो हूँ लेकिन ना यहाँ मेरी एजुकेशन है ना मुझे इस कल्चर में है ना मुझे मेरे जेन के ऊपर मज़हब का कल्चर का लैंग्वेज का फ़िरका वारीत का, का शिया आसनी वापी अहमदी ये सारे चक्कर मेरे मेरे जेहन पे पड़े हुए हैं मैं बंदे की शक्ल देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये सोचता हूँ ये शिया है अहमदी है वाभी है सुन्नी है क्या है फिर मैं उससे बात करता हूँ दीज आर फैक्ट्स उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं मलक हूँ तो यार किसी मलक को ढूंढो मैं देखता हूँ कि मैं चौधरी हूँ यानी अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए मिल्टन की आप हालत देख लें मिल्टन वो कहते हैं थर्टी फाइव परसेंट पाकिस्तानी कम्यूनिटी पिछले साल दो साल पहले लिबरल की जो आ, फेडरल नॉमिनेशन थी उसमें क्या हमारा हाल हुआ वहाँ शहर की बेस पे सूबे की बेस पे जबान की बेस पे और बरदरी बेस पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते हैं पाकिस्तान का लफ वो इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उनको साबित करना हो कि जी हम बड़े मुहब वतन पाकिस्तान हैं और ये बंदा जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहा है उस वक्त उनकी पाकिस्तानी निकलती है नहीं तो उनकी चौधरी पना उनकी शिया उनकी सुन्नी उनकी जो भी कुछ कह लें वो सारी चीज़ें तो सीनियर होने का ये मतलब नहीं है कि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है मेरा बेटा जो कि कनाडा में पढ़ा कनाडा में उसने एजुकेशन हासिल की कैनेडियन लोगों के साथ बैठा उसकी और मेरी दोस्ती का स्टाइल फ़र्क देख लें कि मैं जब भी बैठूंगा मैं कोशिश करूंगा जहां भी देसी इकट्ठे हैं मैं उधर ही जा घुसूंगा मेरा बेटा जब बैठेगा तो वो नहीं समझेगा कि वो वो कि ये ये क्रिश्चियन है ये जीव है ये आ, व, व, है, जो भी मुस्लिम है वो बैठेंगे इकट्ठे उनमें सिर्फ एक फ्रेंडशिप का होगा कि किसका क्या है किसी से इंटरेस्ट है कि ये बच्चा मेरा कितने इंटरेस्ट में काम आ सकता है और मैं उनका तो मकसद ही ये होगा तो मेरा ख्याल है कि ये सीनियर senior, सीनियरिटी का जो सो सीनियर लेबल है ना आई डोंट थिंक सो दिस 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 विल बी सक्सेसफुल इन कंट्री चलिए वापस आते हैं कोविड की तरफ कोविड के बाद टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जो है वो इस वक्त रूल करी जिसकी वजह से वैसे ही दुनिया भर में एक इनकलाब आ गया है टेक्नोलॉजिकल इंकलाब है जिसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन कम्प्लीटली जा रही हैं तो क्या आप समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल में वो तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है हमारी यहाँ पे वो कॉप कर सकेंगे करने की कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है क्या सूरत हाल है देखिए जी मैं तो पहले कह चुका हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त तो उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी की है आई अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से मेरा नहीं ख्याल कि कोब कर सकेंगे मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ चल सकेंगे बिजनेसेस हमारे बंद होंगे हो रहे हैं कर नहीं रहे दूसरी बात यह है कि जब तक इंटीग्रेशन पे तो को काम होता ही नहीं है हलीमा जी इंटीग्रेशन पे तो हम हम किसी के साथ मिल के बैठने के लिए तैयार नहीं है जब कैनेडियन वैल्यूज़ की बात आती है हमें पाकिस्तान का पाकिस्तानीयत याद आ जाती है जब पाकिस्तान की बात होती है हमें कैनेडियन याद आ जाती है तो ना तो इंटीग्रेशन पे काम हो रहा और जहाँ तक कोविड का तलक है आई एम सॉरी टू से आई एम अफ्रेड कि ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारे बहुत सारे बिजनेसिस जहां वो सर्वाइव कर सकेंगे अब वो फ्यूचर में किस तरह सर्वाइव करेंगे किस तरह घर की रोटी चलाएंगे किस तरह खाना खाएंगे आई डोंट नो आप ये देखिए ना कि अब सेकेंड वेव चल रही है स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा बंद करने के मतलब सोचा जा रहा है कि ऑनलाइन ही कर दिया जाए तो उसके अंदर ख़ास तौर पर उनटैरियो जो है वो बहुत हर्ट हुआ है उसकी 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 नंबरिंग बहुत ज्यादा खराब आ रही है तो इसमें क्या वजूहत आप समझते हैं क्या लोग अवेयर नहीं है या लोग इससे इससे भाग रहे हैं या वो वॉट आर द रीजन देखिए मसला सिर्फ ये अभी प्रीमियर फोर्ड ने आज भी कहा है जो कि बहुत अच्छा काम कर उसने आज भी कहा है कि सोशल गैदरिंग सोशल गैदरिंग पे मैं कट कर रहा हूँ सौ की जगह फिफ्टी करूंगा आउटसाइड में हंड्रेड करूँगा कुछ इस तरह की बात जहाँ तक सोशल गैदरिंग्स है का तल्क है हम लोग बिल्कुल केयर नहीं करते उसी तरह ही अगर किसी पाकिस्तान मतलब इतफाक़ हुआ है एक दो है जाने का उसी तरह ही वो लोग जफियाँ डाल रहे हैं उसी तरह ही हाथ मिला ला रहे हैं उसी तरह ही मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ छोटे छोटे बच्चे भी बगैर मास्क के बच्चों को भी लेके आए हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि हम तो कोई एहतियातकारी नहीं रहे मतलब कोई इसमें कोई कोई मुझे नहीं, कोई, नहीं टेकिंग नो नॉट ऑल पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें कि पाकिस्तान में वो कहते हैं कि जी कोविड ने अला ने अल्लाह के फजल से बिल्कुल अल्लाह ने करम किया बच गए हमारा इतने कोविड के नहीं आए लेकिन ये भी तो आप दूसरी तरफ देखें ना कि टेस्ट भी कितने हो रहे हैं यानी सतारा करोड़ के मुल्क में अगर रोज़ पाँच हज़ार टेस्ट हो रहे हैं तो यह उनटैरियो में देखें आपकी यहाँ कितनी आबादी है और यहाँ तो तीस पैंतीस हज़ार रेशियो भी तो देखें ना और इसमें को लोग अच्छा फिर एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है मैं एक शादिया जी एक इवेंट पर गया अभी एक इवेंट था लोग इकट्ठे हुए थे तो इवेंट ख़त्म हो गया सब लोग आपस में मिले चले चले, चले गए तो बाद में शोर मिच गया कि उनमें से एक बंदा जो हमारी कम्यूनिटी का ही है एक बंदा उसको कोविड था और वो बाद में उसने लोगों से कहा कि यार मेरा घर दिल नहीं लग रहा सी तो मैं कहता तुम सारे यार दोस्तों में लोहा तो अब ये तो सूरतयाल है सीरियसनेस की मतलब वो खुद भी खतरे में पड़ रहा है और ख़ुद भी हमें भी खतरे में डाल रहा है लेकिन उसको ये एहसास ही नहीं है कि ये कितनी मोलक और कितनी सीरियस डिजीज है तो अनफॉर्चुनेटली को सीरियस ले ही नहीं रहा अवेयरनेस नहीं, अवेरनेस नहीं। अवेरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस देखे देखें देखो अब ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है अवेयरनेस क्या होती है अवेयरनेस ये होती है कि आपको रोज सी पी ट्वेंटी फोर रोज आपके अपने चैनल आपके आपका भी चैनल आप दूसरे भी चैनल रोज आपको बताते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग कीप डिस्टेंस ये ना करो हाथ ना मिलाओ किसी के घर ना जाओ सोशल कैदरिंग न अवेयरनेस हम तो दे रहे हैं गवर्नमेंट तो दे रही है लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूँ अवेयरनेस अवेयरनेस का लफ्ज़ तो मैं दो तीन लफ्ज़ ऐसे हैं जो मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिए है।, है एक अवेयरनेस है एक इंटीग्रेशन है एक कैनेडियन वैल्यूज़ है और एक कैनेडियन सोसाइटी है वो मैंने तो अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दी है मुझे आप अवेयर ना करें मैं बहुत लाइक हूँ मैं बहुत सीनियर हूँ मेरे पास सारा दुनिया का नॉलेज है मैं जिस जो चाहूं करूं मुझे कुछ नहीं होगा और जब जाना है तो फिर जाना ही जाना है वाला की तरफ हाँ से ये है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हाँ, है हालांकि प्रिकॉशंस की हर जगह पे बहुत अहमियत है जी, जी, और उसके साथ साथ अवेयरनेस जब हम बात करते हैं मीडिया की अवेयरनेस सिर्फ यही नहीं है हमारी हर तरफ हर तरह के सोशल सिस्टम के अंदर ये बताया जा रहा है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये क्या कर सकता है और कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है मैं समझती हूँ कि ये तीन बातें बहुत अहम है इस सारे में चलिए वापस आते हैं हमारी कम्युनिटी के मीडिया की तरफ मीडिया हाउसेस उनकी एक्टिविटीज़ और उनका किरदार यानी कि वो कितने फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक हुए हैं और वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं फ्यूचर की पॉलिटिक्स से लेके कम्युनिटी की अवेयरनेस तक देखें जो मीडिया हाउसेस हैं मैं तो आ, समझता हूँ कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जितने मीडिया ज़्यादा हो जितने टेलीविजन चैनल ज़्यादा हो जितने लोग अवेयरनेस दे सकें ज़रूर दें लेकिन बात यह है कि आ, अब ये फैशन बन गया है कि मैं अगर आपके पास इस प्रोग्राम में आके बैठा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये का जो टैग टीवी है मतलब तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें होती हैं और जब भी मैं ये आता हूँ तो मैं इसलिए आपके साथ ताहिर भाई के साथ बैठता हूँ मुझे पता है कि बड़ी पढ़ी लिखी बात होगी इधर कोई ऐसी बात नहीं, नहीं होगी अच्छा। लेकिन मैं साथ ये भी कहूँगा कि अब इतने चैनल बन गए हैं और वो पगड़ी उछाल मुहिम जो है ना वो अपने ज़ोरों पे है और मैं किसी मैं को नेगेटिव बात मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं नेगेटिव नहीं कर रहा मैं तो फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ कि मीडिया हाउसेज़ में पगड़ी उछाल मुहिम जो ज़ोरों पर है किसने क्या किया किसने इमरान ख़ान ने क्या किया नवाज शरीर ने क्या किया फ़लाने ने क्या किया यानी स्वाएस के बाद मुझे एक मीडिया हाउस का नाम बता दें आप अपना मीडिया छोड़ के या एक दो और मीडिया छोड़ के कि जिसमें कनाडा के बारे में कोई डिबेट होती हो कनाडा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती हो कनाडा के बारे में अवेयरनेस दी जाती हो एक बता दें आप हमारे तो अवेयरनेस का हलिमा जी ये हाल है कि स्कूल में वो पूछते हैं ना छोटे बच्चे जो मेरे भी जो समझे मेरे पोते की उम्र के यार जो उनसे पूछते हैं ना तुम्हारा कौमी तरह ना क्या है तो वो ओ कनाडा की बजाय पाकिस्तान पाक सर जमीन शुरू है तो कोई बुरी बात नहीं है ही शुड लर्न इट मैं कहता हूँ लेकिन जब कैनेडियज में बैठी है ना तो फिर वो कनाडा मैंने जो पासपोर्ट लिया है वो कनाडा के नाम पे लिए तो मीडिया हाउसेज़ का तो ये है कि इतने खुल रहे हैं फेसबुक चैनल जी यूट्यूब चैनल मुफ्त बनाओ एक कैमरा ले लो सेलफोन ही काफ़ी है ले कर और पगड़ी उछाल मुहिम है एक दूसरे की आप क्या करते हैं आप क्या पीते हैं आप क्या खाते हैं आपका बिज़नेस क्या है आप तो बड़े अच्छे हैं आप तो यानी कोई ऐसा मालूमती कोई ऐसा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आई एम सॉरी टू सीनियर बंदे के सीत से एक मैं बिल्कुल कहूँगा जर्नलिज़म मैंने डॉन से शुरू की थी जैसे आपको पता है कि लेकिन मैं आई एम सॉरी टू से ना तो कोई ट्रेनिंग है ना कोई बात करना को सिखाता है ना उनके पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है ना सवाल होते हैं सिर्फ़ ये होता है कि ठीक है भाई यह प्रोग्राम करना है जी पचास मिनट का प्रोग्राम कर लिया उधर डाल दिया अल्लाह चाहे सच्ची बातें करते हैं अल्लाह चाहे वो फेसबुक भी लाइक्स बेचती, बेचती है वो व्यूज़ भी बेचती है बट ठीक है काम चल सो रहा है जर्नलिस्टिकली कुछ नहीं हो रहा आपके ख्याल I'm में sorry, तो और... बहुत कम लोग कर मैं ये नहीं कहता नहीं हो रहा मैं कहता हूँ कि बहुत कम लोग कर रहे हैं और जो लोग कर भी रहे हैं ना ऑनेस्टली मैं बताऊं कि उनसे लोग ज़रा दूर रहने की कोशिश करते हैं कि यार बाकी इश्तहार अगर मैं रियल्टर हूँ मैं इश्तहार दूंगा दोस्तों का इश्तहार दूंगा डेढ़ घंटे का इंटरव्यू कर लूंगा अल्लाह अल्ला खैर अल्ला जी बस कोई ऐसी मतलब कोई कोई सीरियस गुफ्त कोई, कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे एक प्रोग्राम किसी टीवी चैनल का बता दें जिसमें कोई सीरियस गुफ्तु हुई मेरे मेरे सारे दोस्त हैं मेरे मैं सबकी कदर करता हूँ और मैं उनको ये कहता हूँ कि ये करो अखबार भी हमारे उर्दू में छपते थे उस उसमें भी मैं कहता था कि एक आध सफाई इंग्लिश का रखो लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अगर इंग्लिश का रख देते हैं अगर इंग्लिश की बात शुरू हो जाए तो लोग हमारे चैनल बंद करने शुरू कर देते हैं वो भी सच्चे हैं और फिर हम भी सच्चे हैं शायद इसमें बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम नई नई जनरेशन को और उन लोगों को जोड़ने में जोड़ने में नाकाम रहे हैं जो लोग के स्ट्राइव करते हैं यहाँ बैठ के कि कोई ऐसा डिस्कोर्स इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो कि जिसके अंदर कोई बात निकल सके चलिए वापस आते हैं यूनिटी और कम्युनिटी की तरफ़ यूनिटी की बातें बहुत होती हैं हर वक्त कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है इवन कोविड में कोई ना कोई नया एक शोशा सुनते हैं कि वो खुल गया है कोई एक और डायस्पोरा बन गया है कोई एक और काम शुरू हो गया है लेकिन सीरियस तौर के ऊपर इंटीग्रेशन या किसी एक पॉइंट पर खड़ा होना आ, उसके ऊपर अभी तक कोई ख़ास काम नज़र नहीं आता आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए तो मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के बाद आप कम्युनिटी से मेरी लड़ाई कराएंगी बहद मैं तो सच्ची बात ही करूँगा क्यों हिसाब से सच्ची बात, बात ही होती है बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं इतनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं रोज़ाना की बेस पे क्यों ये हमारी ईगो क्यों है कि ये हम मैं कहता हूँ कि जी अगर मैं इरफान मलिक हूँ तो मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा मेरे साथ जो बंदा काम कर रहा है या मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ थोड़े दौर पर ख्याल आता है कि यार ये तो इसने बनाई हुई तो मैं क्यों ना बना लूँ क्यों हम इकट्ठे हो के मतलब एक मिसाल आपको देता हूँ मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक कम्यूनिटी के बहुत बड़े अच्छे मैं समझता हूँ कि ही इज़ डूइंग वेरी वेल नाम चढ़े छोड़ लेता उन्होंने ट्रिलियम हॉस्पिटल के लिए ऐलान किया कि हम आपको अगले दस साल में फाइव मिलियन डॉलर देंगे ठीक है जी अब वो मिलियन डॉलर साल से कहाँ लाएंगे ये उनकी मतलब वो पहले भी करते रहे पहले भी फंड इकट्ठा किया अब जनाब तीन ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त तक ऐलान कर चुकी हैं कि जी हम जी भी जो है ना ट्रिलियम हॉस्पिटल को पाँच दस साल के अंदर दो मिलियन देंगे वो तीन मिलियन कह रहे हैं अच्छा अब कम्युनिटी तो वही है बंदे तो वही हैं पैसे तो उन्होंने हम सब ने देने हैं अब वो कहता है जी इसने अपना नाम बना लिया पता नहीं इसका इलेक्शन लड़ने का इरादा था या इसने जो आप ऊँचे ऊँचे बंदों के साथ अनाउंसमेंट करनी थी मैं अब ये देखें कि ना उसके पास पैसा अब इकट्ठा होगा और ना ये दे सकेंगे लेकिन मतलब जेलसी समझ लें इसको या ईगो समझ लें या इसको एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मैंने आपको बड़ी और सुनने वाले सुन भी भी रहे होंगे उनको पता भी लग जाएगा लेकिन क्यों नहीं हो के, वो तीनों बैठते लेकिन क्या ये lack of awareness नहीं है कि हमें ठीक है डोनेशंस करते हैं उसके लिए हम अपनी ग्राउंड्स बनाते हैं ये एक बहुत अच्छा काम है लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े सारे गोल्स होते हैं तो क्या हमारा हमारा क्या हम जानते हैं कि हमारा गोल क्या है हम इससे अचीव क्या करना चाहते हैं कम्युनिटी में क्या बेहतरी देखें बिल्कुल बड़ा बड़ा आपने खूबसूरत सवाल किया फिर वही बात होती है कि मेरी आज लड़ाई हो जानी बहर कोई बात नहीं बात यह है कि जब आप गोल की बात करती हैं तो आप पढ़ी लिखी है गोल ये है कि जी ट्रीलियम हॉस्पिटल के मरीजों को ये दवाइयाँ दी जाएँ और ट्रीलियम हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं उनको जो है थोड़ा सा बेड्स दिए जाएँ या रिलीफ़ दिया जाए ताकि दूसरी कम्यूनिटीज़ में पता लगे कि हम हर वक्त जो जाके पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी कह लें बैठते हैं हम भी पैसा देते हैं ठीक है वेरी अब गोल तो ये होना चाहिए अब गोल ये है कि जो इरफान मलिक ने लोगों को बताना है कि मैंने भाई पाँच दो मिलियन इकट्ठा करके देना है गोल जो है वो असल गोल की अवेयरनेस तो है ही नहीं मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि जी मैं ये कह रहा हूँ मैंने नेट्रिलियम हॉस्पिटल को देना मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि जी मैंने क्या करने के लिए देना है मैं तो ये कह रहा हूँ जी मैंने पैसा इकट्ठा किया कल किसी इवेंट में मैं जाऊँ तो आप भी आए मेरा इंटरव्यू लें कि जी मलिक साहब आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप दो अब गोल तो डिफाइन है ही नहीं गोल तो डाइवर्ट हो गया मेरी पर्सनैलिटी के इर्द जिर् और जब पर्सनैलिटी के इर्द गोल डिवेल्प होगा तो क्यों आप पैसे देंगी आप मुझे नहीं देंगी पैसे ना आप कहेंगे अच्छा टीलियम फाउंडेशन है मैं जाके उधर जो सौ डॉलर देना है मैं उनको डायरेक्ट भेज देती हूँ आप मुझे नहीं देंगी तो अब यूनिटी किधर गई ख़त्म हो गई कोई यूनिटी गोल की भी ख़त्म हो गया पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम जो एक होना था वो भी ख़त्म हो गया यानी कि सो बेसिकली ये सेल्फ प्रमोशन के ऊपर चला जाता है बजाय इसके कि सोसाइटी के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन के तौर पर रिकेग्नाइज किया जाए जी आपको याद होगा सदिया जी आज से कोई मेरे ख्याल को दस साल पहले की बात है या पंद्रह बारह साल पहले की हमारे शहर की एक मेयर होती थी ठीक है जी बड़ी मोहतरम उन्होंने एक बड़ी बड़ा ताना दिया था कि आपको जी आप भी शायद उधर थी मैं भी उधर था उसका जवाब में जो एक हमारी जो दूसरी साउथ एशियन कम्यूनिटी उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने क्रेडिट वैली हॉस्पिटल में पूरा एक वार्ड बनाया कि ये देखो तुमने मेयर होकर यह कहा है, हम इसको पाँच मिलियन दस मिलियन दे रहे हैं दिस इज़ दिट ठीक है अब वो वही कम्युनिटी जो है वो ट्रिलियम अस्पताल की जो एक्सटेंशन हो रही है वहाँ दे रही है उसके बाद वो फंडिंग करते हैं फूड बैंक में फ़ूड बैंक में आप आई एम सॉरी टू से जाके देखिए आप भी जाती है मैं भी जाता हूँ क्योंकि हर अच्छी जगह पे आपसे मुलाकात होती है फूड बैंक में आप जाके देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कंट्रीब्यूट करती है लेकिन इस तरह करती है कि हमारा नाम ही नहीं आता दूसरी कम्युनिटीज़ इकट्ठा के सारे इकट्ठे हो कहते हैं जी ये एक लाख डॉलर है जी ये बाबा जी गुरु नानक के नाम पे हम आपको दे रहे हैं ठीक वो ये नहीं होता सरदार फलाना दे रहा है तो सिंह फलाना दे रहा है ठीक मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ जी ये मेरे तरफ से ज़्यादा लड़ लो आप जाती हैं तो वो हमारा तो कोई नाम ही नहीं होता ना जी तो गोल भी डिवाइडेड गोल पे भी अवेयरनेस थी गोल डिफाइंड नहीं गोल के पीछे अपनी पर्सनल है फिर ये होगा कि थोड़े अरसे बाद मैं कहूँगा कि अच्छा जी इस तरह है कि यार मैं तो बड़ा मशहूर हो गया हूँ तो फलानी राइडिंग की ओपनिंग खुल रही है तो यार मैं उधर से इलेक्शन लड़ूँगा अब ऑनेस्टली मैं सिर्फ तो दो मिनट में, में बात ख़त्म करूँगा यह अज़ान का इशू आप देख लें क्योंकि यहाँ बैठ के मैं खुली बात आपके साथ कर सकता हूँ मुझे कोई फिक्र नहीं है मुझे कोई नेगेटिव के मुल्क दुश्मन के पाकिस्तान दुश्मन के मेरी अपनी वफ़ादारी है पाकिस्तान के साथ भी आपकी भी हैं कनाडा के साथ भी अजान का जो इशू था मैं आप देखें अगर समझदार होकर इसका जायजा लिया जाए ना तो हमें अजान के इशू में फंसाया गया फंसाने के बाद हम पे सारी कम्युनिटीज़ एक तरफ हो गई और हम मुसलमान पाकिस्तानी कम्युनिटी एक तरफ हो गए अब शकलमंद लोग कहते थे कि यार ये अजान मस्जिद के अंदर दे दो कोविड है अब इतने चैनल खुले हुए हैं। आपके चैनल पे आके कहें कि जी हमने पांच वक्त की अज़ान देनी है आप अपने चैनल पे दिखाएं सारी दुनिया देखेगी बाहर खड़े होके अजान देने का मतलब है कोई ठीक है अजान जरूर होनी चाहिए मैं कहता तो होनी चाहिए अच्छा भी किया अजान भी होगी आप खुशी से आगे अजान दे दो लेकिन हुआ ये कि अब हिंदू सभा ने जो किया है आ, उन्होंने भी कहा जी हमें इजाज़त दी जाए ठीक है जी अब और भी ऑर्गेनाइजेशन जैपनीज भी आएंगे सामने चीनी कम्यूनिटी भी आ रही है कि हमारा भी कुछ होता है क्रिसमस पे भी होगा तो अब ये तो एक, एक किस्म का प, बॉक्स ना जी इसलिए कि हम हम ये भूल जाते हैं इस तरह के डिसीजंस में खासतौर मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम ये रियलिटी अपनी सोसाइटी की भूल जाते हैं कि हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं और इस वक्त तक नवे कम अज़ कम दीन हैं जो मज़हब मज़ाहब हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हैं। जो है तो आप कैसे और फिर जबकि अजान आपको है है आपके cell phones के ऊपर 24 7 मौजूद तो जब आप social fabrication को disturb करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन सोसाइटी से ते, आपको ते, आता है आप सही बात कह रही हैं कि तरीका मुखल हो सकता है कि अगर अजान देनी है तो किसी आपको कहे किसी और चैनल को कहे कि यार अजहान देनी वो कैमरा भेज दो आप जान दें मस्जिद के पार खामोशी से खड़े होके और वो सारे चैनल पे चलेगी लेकिन वो मतलब मैं समझता तो हूँ ज़ाती तौर पे कि इसमें मुसलमान कम्युनिटी को फंसाया गया है क्योंकि लोग हमसे तंग आ चुके हैं अब हम ब्लैक मेलिंग करते हैं कि जी हम वोट नहीं देंगे हम ये नहीं करेंगे प्रैक्टिकली ना हम फंड देते हैं ना कुछ करते हैं तो जान के हमें ना कॉर्नर किया गया है मेरा अपना ज़ाती ख्याल ही है तो इस सिलसिले में आ, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं आ, आप कम्युनिटी को क्योंकि कोविड के अंदर सूरत हाल वैसे भी फ़र्क है आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते आ, बहुत सारे वेबिनार्स होने शुरू हो गए हैं और बहुत बड़ा सारा काम हो, हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस वक्त ऐसा काम भी हो रहा है कि जिसके अंदर कम्यूनिटी में लोगों को इस सिलसिले में ब्रिज किया जाए कि वो टेक्नोलॉजिकली अपने आप को सपोर्ट करके इसमें एडजस्ट कर, इस कर सकें uh... देखें मजबूरी की हालत में तो किया जा रहा है मतलब बच्चों के स्कूल हैं हैं उसमें तो अब लोगों को पाकिस्तानी कम्युनिटी को अब अवेयरनेस आई है कि जी ए, वेबिनार के ज़रिए ज़ूम मीटिंग के ज़रिए किस तरह हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं आ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई कलेक्टिव कोई काम ऐसा किया जा रहा है अब स्कूलों की वजह से उन्होंने कहा जी ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं हम कुछ उनको कहें या ना कहें ना हमें ने उनको कुछ लेकिन वो ख़ुद जो है ना सर्च करके आगे बढ़ रहे हैं मैं यही कहूँगा मैं बड़े फ़खिर से कहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी के जो बच्चे हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं दे वॉन्ट टू स्टडी वो पढ़ना चाहते हैं उनको टेक्नोलॉजी का पता है उनको सब कुछ पता है ये मैं हूँ या मेरी जैसी एज के लोग हैं जो उनको पीछे धकेल रहे हैं कि इधर नहीं जाना इधर काफर रहते हैं उधर नहीं जाना उधर योदी रहते हैं उधर ये नहीं करना यानी हमने इतना उनको कन्फ्यूज़ कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आती कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके हमसे बागी हो जाते हैं मेरे बेटा जो है उसको आप बनाएं मैं उसको कहूँ कि जी मैं फ़लानी पार्टी की मीटिंग पर जा रहा हूँ किसकी मीटिंग पे जा रहे हो जी फलानी पाकिस्तान को यार अबू वट इज़ दिस मान से कहा है मेरे बटे क्या, क्या करती है इसलिए कि जनरेशन गैप तो हर हाल में हर जगह के ऊपर वैलिडेट होता है लेकिन उसके साथ साथ कल्चर गैप भी डेवलप हो गया है जिसमें कि हम हमारी जनरेशन इंटरैक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं बड़ी सारी चीज़ों को लेकिन फिजिकल रियालिटीज़ आर डिफरेंट चलिए इस पर तो ना ख़त्म होने वाली गुफ्तु हो सकती है हमारा वक्त ख़त्म हो गया है जाने से पहले आप हमारे थ्रू व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें देखिए मैं हलीमा जी मैसेज ये देना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है अभी भी इंटीग्रेशन पे ज़ोर दें अभी भी कैनेडियन वैल्यूज़ पे ज़ोर दें जो टैग टीवी कह रहा है उसको सुने अभी भी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी बंद करें अभी भी वक्त है कि आप इंटीग्रेशन करके जैसे आपने फ़रमाया बात करके गोरों से मिलके अपने बिजनेसेस को दोबारा रीबूस्ट कर सकते हैं ये अब बहुत सारी पैसें छोड़ दें अगर आपने रेस्टोरेंट चलाना है तो ऐसे तरीक़े करें गोरे भी आए अगर आपने कपड़ों की दुकान खोलनी है ऐसे तरीके करें गोरे भी आए इसी में सर्वाइवल है अदरवाइज फिर सर्वाइवल कोई नहीं मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी हम हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द बड़ी सारी कम्यूनिटीज़ हैं सिर्फ गोरे ही नहीं हम वैसे भी बहुत डाइवर्स हैं जैपनीज़ हैं चाइनीज़ हैं इंडियन हैं सोमालीज़ हैं बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और उसमें हमें इंटरग्रेट करना होता है हम सबसे पहले अपनी इर्द गिर्द के माहौल में करते हैं फिर हम अपने बिगड़ सर्कल के अंदर जाते हैं हमारा सर्कल बढ़ता चला जाता है तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम करें जब भी हम कैनाडा में रहते हुए कोई काम करना चाहें तो हम ये देख लें कि मेरी स्ट्रीट के ऊपर जो दस घर इस तरफ हैं और दस घर इस तरफ हैं उन सब का कॉमन इंटरेस्ट क्या है? मैं उन सब को कैसे सर्व कर सकता हूँ कैसे उनके साथ मैं अपनी मीनिंग्स मीनिंगफुलनेस पैदा कर सकता हूँ अगर मैं उनके कुत्ते को प्यार नहीं कर सकता वो नापाक है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये सब चीज़ें कल्चर के साथ रिलेटेड हैं आज के इस प्रोग्राम में हमने कोविड अपडेट की कम्युनिटी अपडेट की इस सिलसिले में हम ऑन एंड ऑफ गुफ्तु करते रहेंगे आज का कम्युनिटी डिबेट हमारे साथ देखने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन